को लेकर परिवार से मारपीट करने का मामला सामने आया। टोल कर्मियों की ओर से डबल चार्ज जोड़कर रुपए लेने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि टोल कर्मी मारपीट पर उतारू हो गए। बोलेरो कैंपर में सवार महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की घटना रविवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें टोल कर्मी हाथ में लाठी सरिया लेकर बोलेरो कैंपर सवार परिवार को धमका रहे। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला जोधपुर ग्रामीण के ओसिया थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर बने टोल का है। जानकारी के अनुसार गुड़ा मालानी क्षेत्र में रहने वाला परिवार ओसिया के पास पड़ासला गाला भूमियाजी के धान जा रहा था। भारतमाला हाईवे पर सरमंडी टोल पर पहुंचे तो फास्ट ट्रैक में तकनीकी खामी की वजह से टोल शुल्क नहीं कटा। इस पर टोल कर्मियों ने डबल चार्ज जोड़कर रुपए मांगे। ओसिया के SI सुल्तान सिंह का कहना है कि पीड़ित परिवार धार्मिक स्थल पर दर्शन करने के लिए जा रहा था। इस दौरान पिछले टोल पर रोक कर रुपए देकर टोल चुकाया था। सरमंडी टोल पर जब टोल कर्मियों ने रोकड़ रुपए मांगे तो वो फास्ट ट्रैक से बैलेंस कटने पर अड़ गए। इस बात को लेकर विवाद हो गया। घटना के बाद परिवार देर रात पीड़ित रघुनाथ राम ने टोल के 10-12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी जीवन राम पुत्र केशुराम सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना को लेकर एक वीडियो भी सामने आया जिसमें टोल कर्मी बोलेरो ड्राइवर और अन्य यात्रियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए लोहे के सरिया हाथ में लेकर धमकाता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी की एक माफी मांगते हुए का भी वीडियो सामने आया।